जहां पूरे प्रदेश में पानी के लिए हाहाकार मची हुई है, वहीं हमीरपुर के बाजार में आईपीएच विभाग की लापरवाही के चलते पेयजल व्यर्थ बह रहा है। रोजाना सुबह के समय गांधी चौक पर बने चैम्बर से हजारों लीटर पानी सड़क पर बहता है, लेकिन विभागीय सुस्त कार्यप्रणाली के चलते लोगों में गहरा रोष पनपा हुआ है। आए दिन बाजार के बीचों बीच गांधी चौक के पास बनाए गए चैम्बर से पानी लीक होता है और जिस कारण पानी व्यर्थ सड़क पर बहता है। स्थानीय लोगों की माने तो पूरे प्रदेश में पानी की किल्लत है और हमीरपुर में पानी व्यर्थ बह रहा है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि उपायुक्त को इस बारे में ध्यान देना चाहिए। उपभोक्ता संरक्षण संगठन के पदाधिकारी का कहना है कि विभाग को इस बारे में जल्द काम करना चाहिए, क्योंकि कहीं पानी की किल्लत है तो यहाँ पर पानी व्यर्थ बह रहा है, जो कि बहुत ही गलत है। उनका कहना है कि लापरवाही बरतने वाले कर्मचारी पर तुरंत उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। पूरे हिमाचल में पानी के लिए तराई तराई मची हुई है और भी चौक में, गांधी चौक में पानी की लीकेज हो रही है। ये पानी पता नहीं कब से चला रहा है। वाटर सप्लाई वाले, आईपीएच वाले क्या देख रहे हैं? इनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए डी साहब को। अब हमने मीटिंग हुई तो पानी के बारे में उठाया था, डी साहब से मिले प्रधान जी हमारे, और उन्होंने दोनों विभागों की बैठक करवाई, उसमें डी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये इस पानी की लीकेज को बड़ी सीरियसली देखना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, और आईपीएच वालों को तो पूछना चाहिए कि ये पानी क्यों लीक हो रहा है और कब से हो रहा है। पानी के लिए जनता त्राई त्राई कर रही है और यहाँ पानी की वेस्टेज हो रही है, ये कोई इंसानियत का सवाल है ये? वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि विभाग को चाहिए कि बाजार में टूटी हुई पाइपों को दुरुस्त करवाए ताकि पानी की व्यर्थता को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि लोग शिकायत भी करते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं हो पाता है। विभाग की लापरवाही है और पिछले कुछ दिनों से, 3-4 दिन से कई मोहल्लों में पानी की बूंद तक नहीं आ रही है और इसके बावजूद भी लोग आंखें मूंद कर बैठे हैं, केवल दफ्तर में बैठे हैं। ऑफिस से बाहर केस छोड़ने के लिए इनका धर्म करता और इनके अगेंस्ट सरकार को जाइए, इन्हें बारिंग रहें, इनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। फिर हो रही पानी की, इतना पानी तो कई घरों को फिट कर किया जा सकता था, कई घरों की समस्या जो हो सकती पानी। ये तो लगातार इनका यही काम है, जहाँ पर पाइप टूटी है, बह रही है, लीकेज है, वो चल रही है, उसके बारे में कोई ध्यान, और लोग जाकर कंप्लेंट करते हैं उसके ऊपर इनका कोई ध्यान नहीं।